अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम शहजाद है और मैं आईटी टेलीकॉम के प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ और गुज़िश्ता कई सालों से आयरलैंड में मुकीम हूँ। सूरह अर-रहमान से मेरी रोशनाई करीबन 2003 में हुई जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और टाइफाइड की वजह से शदीद जिस्मानी और जहनी दबाव का शिकार था, जिसके बायस कुछ नाउमीदी डिप्रेशन से भी दोचार हुआ। मगर सूरह रहमान ने मेरी जिंदगी अक्सर बदल दी, मुझे एक नई डायरेक्शन और रिजुविनेशन अता हुई, जिसके बायस असर नौ एक मुस्बत और पुरुमीद जिंदगी का आगाज हुआ। और जूं जूं सूरह रहमान के इस पैगाम में तसलसल बढ़ता गया तो न सिर्फ जिस्मानी और रूहानी तौर पर इसकी अफादियत का एहसास और ज्यादा पुख्ता हुआ, बल्कि सबसे बढ़कर यह कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और रहमत का एहसास हुआ। और ये भी कि अल्लाह ताला हमारी तमाम कमियों और कोताहियों के बावजूद अपने फजलो करम से कैसे हमें नवाजता रहता है। और इस अफाकी पैगाम के फैलाने से ना सिर्फ दुखी इंसानियत को मुस्तफीद होते देखा, बल्कि अपने अंदर भी एक बेलौस मोहब्बत का जज्बा उजागर होता रहा और पॉजिटिव थिंकिंग और फोकस में भी बेपनाह इजाफा हुआ। तो मैं अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बिना पर यही पुरजोर अपील करता हूं कि सूरह रहमान खुद भी सुने और इस अफाकी पैगाम को तसलसल से फैलाएं। बहुत शुक्रिया। समात सूरह रहमान के हसीन पैगाम को गौर से सुने और सख्ती इंसानियत की खिदमत करें। सूरह अर-रहमान सुने और इसे फैलाएं।